हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएस मैथ्स को लेके, क्योंकि मैंने सीडीएस का एग्जाम 5 बार दिया है और मैथ्स में मेरा टॉप स्कोर 74 रहा है। उससे सेकंड लास्ट 64 था शायद, ठीक है। उसके अलावा मेरे एवरेज स्कोर ही आए हैं मैथ्स में। लेकिन मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस बारे में कि आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे मैथ्स को लेके बहुत सारे, कि मैथ्स हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन मॉक में 40 मार्क्स आ रहे हैं, केवल एडवांस मैथ्स का एक ही टॉपिक खत्म करवाया है जबकि आपने बताया था कि 5 टॉपिक खत्म करने हैं, अर्थमेटिक मैथ्स कर लिया है लेकिन अब क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि आ ही नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट गाइड इस वीडियो में दे दूंगा और कोई बच जाएगी तो फिर आगे की वीडियो बता दूंगा, बट इसमें मैं अपना पूरा 100% दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना बस कैसे भी करके, ठीक है। और मैथ्स में मैंने क्या किया था वो भी आपको बता दूंगा। देखो, आपके पास घुमा फिरा के मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ है और एडवांस मैथ्स है, ठीक है। एडवांस मैथ्स में मैं आपको बोलता हूँ कि 80% क्वेश्चन आते हैं और अर्थमेटिक मैथ्स से 20% क्वेश्चन आते हैं। ये फिक्स नहीं है, ये कभी भी वेरी कर जाता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। एडवांस मैथ्स के 80% क्वेश्चन ही आते हैं लगभग हम बोलेंगे। तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए, अर्थमेटिक मैथ्स पे या एडवांस मैथ्स पे? ऑब्वियसली एडवांस मैथ्स पे। तो एडवांस मैथ्स में भी आपके पास 5 टॉपिक हैं जो मैं हर बार बताता हूँ और आपको वही 5 टॉपिक करने होते हैं, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि आप लोग अर्थमेटिक मैथ से स्टार्ट कर देते हैं, वो तो नहीं करना है, लेकिन इस टाइम पे जब आपके पास 50 दिन बचे हैं तो आपको ना अभी केवल एडवांस मैथ खत्म करने चाहिए। एडवांस मैथ्स कैसे खत्म कर सकते हो उसके पीछे भी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो अगर आप अब पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 2 महीने में इतने टाइम में तो 5 टॉपिक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मान लीजिए इन केस आपने एक टॉपिक भी खत्म कर लिया है, या फिर मैं कहता हूँ आपने 1-2 टॉपिक खत्म कर पाए हैं, ठीक है, जियोमेट्री कर ली, एलजेब्रा कर ली, या फिर कोई भी आप एडवांस मैथ्स के टॉपिक खत्म कर लिया आपने, तो अब आपको जो है थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और थर्ड टॉपिक अब आपके पास जैसे 50 दिन बचे हैं तो ध्यान रखिए 3 टॉपिक अगर आपके पास बचे हैं, 4 टॉपिक बचे हैं, तो फिर दिन कितने बचे हैं, 50 50 बट्टे 4 टॉपिक, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अब जब डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा लगभग 12 दिन बन रहे हैं मेरे पास 4 टॉपिक करने के लिए, तो हर किसी टॉपिक को आप 12 12 दिन दे दो तमीज़ से, ठीक है। ठीक है, जब आप 12 12, अब आप कहने लग जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे खुद ही डाउट आने लग जाता है कि 10 दिन का तो लास्ट में हम पढ़ना नहीं है, रिवीजन भी करना है, तो 40 दिन समझ लीजिए, 4 टॉपिक हैं, 10 10 के दिन के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और डेली 3 घंटे, तो 10 × 3 30 घंटे आपने एक टॉपिक को पढ़ा है, कि आप बताइए इसमें से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक से तो उसमें से आप 10 12 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? मैं कहता हूँ बिल्कुल कर लोगे, कोई डरने वाली बात नहीं। तो ऐसे करके तो सबसे पहले आपको टॉपिक खत्म करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपका यहाँ पे एक डाउट मेरे अंदर खुद ही आया, ये बात कि हमें टॉपिक फिनिश करना चाहिए या फिर जो दूसरा टॉपिक है उसको अच्छे से करना चाहिए। जैसे आपके पास 2 चॉइस हैं, एलजेब्रा को मैं बहुत अच्छे से कर लूँ या फिर एलजेब्रा जियोमेट्री को कंप्लीट कर लूँ, मतलब पढ़ लूँ बस एक बार, अच्छे से नहीं कर पाऊँगा दोनों, ये डाउट है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा आपको दोनों को पढ़ना चाहिए बजाय एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करने के, ठीक है। मैं टॉपिक कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। अब इसके पीछे एकमात्र रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा, बात यह है, आपने मान लीजिए एलजेब्रा अच्छे से पढ़ी, एलजेब्रा जियोमेट्री की लेके चल रहे हैं, एलजेब्रा आपने अच्छे से पढ़ ली, अब वहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं एलजेब्रा में 20, ठीक है। अब 20 में से आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्योंकि 5 6 क्वेश्चंस तो ऐसे हो सकते हैं जो ना ही कर पाओ आप, क्योंकि सीडीएस का लेवल है वो भी है, तो अपने लेवल बढ़ाएंगे, तो आपने जितना पढ़ा उसमें से नहीं बन रहा है, आपके 15 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे आपने जियोमेट्री छोड़ दी, अब आप एलजेब्रा और जियोमेट्री दोनों पढ़ लिया आपने बेसिक बेसिक, तो बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो लगभग 50% से ज़्यादा होते हैं, तो 10 क्वेश्चंस वहाँ से, 10 क्वेश्चन जियोमेट्री से आप 20 क्वेश्चंस कर पाएंगे, ये जरा समझने की कोशिश करिए, है ना, ये बात मैंने बहुत सही कही है। तो इस पे आपको फोकस करना ही है कि अपने टॉपिक ख़त्म करने या कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ना केवल आप अर्थमेटिक छोड़ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो आपको एडवांस मैथ्स जो है ऐसे ख़त्म कर लेना है। और मैं हर बार बताता हूँ, फिर से बता दूंगा, गगन सर की जो बड़ी बड़ी वीडियो है, जियोमेट्री की 18 घंटे की वीडियो है, वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन कराए हैं, कर लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, थोड़ा एक बार आप डिटेल्स पढ़ लीजिए और फिर उनसे कर लीजिए। गगन सर की जो लॉन्ग वीडियो है एलजेब्रा जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन की, उनको कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। सेकंड चीज़ है केवल टॉपिक ख़त्म नहीं करना है उसके, अब देखो टॉपिक ख़त्म करने का आप पूछोगे तो वो आपके ऊपर चॉइस है, आप किसी भी टीचर से ख़त्म करिए, यूट्यूब पे हर कोई टीचर करा रहा है, अपने सर से पढ़ लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गगन सर से पढ़ लीजिए कोई टेंशन नहीं है, पवन सर से पढ़ लीजिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग पता है गलती कहां करते हैं, हम देखते हैं सीडीएस का ही कहां स्पेशल करा रही है, सीडीएस का ही कहां स्पेशल करा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ी स्पेशल होते हैं, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं सीडीएस के या फिर एसएससी के। अगर आपको रेलवे का भी बैच मिल रहा है ना तो आप कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक तो आपको ख़त्म हो ही रहा है ना, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, रेलवे नहीं, एसएससी पे आ जाइए, ठीक है।
एसएससी तक आप चलेगा, सीजीएल तक का, उससे नीचे नहीं, ठीक है। और आपको मॉक भी लगाना है, और मॉक केवल इसलिए लगाना है सिर्फ और सिर्फ स्पीड के लिए, सम नॉट एल्स। आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं ये मैटर करता ही नहीं है। आप दो घंटे में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये मैटर कर रहा है। आप क्वेश्चंस को कितनी जल्दी देख के स्किप कर पा रहे हैं वो मैटर कर रहा है। आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं पागलों की तरह, गलत बात है ये। आपने टॉपिक नहीं पढ़ा उसका क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा है फिर? आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चंस दिखा बाद में करेंगे, हटाओ, मार्क कर दो, कुछ भी मत करो, ठीक है, लिख बाद में देखेंगे। दो घंटे में आप एग्जाम में 60 क्वेश्चन ही देख पाए, 40 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, जिसमें से 30 आप कर लेते, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए आपको मॉक अटेम्प्ट करना है। मॉक में आने वाले मार्क्स आपके पेपर वाले मार्क्स को कभी डिसाइड नहीं करेंगे, नेवर। और इस बात का मैं जीता जागता सबूत हूँ, ठीक है। अब आपने सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं, अर्थमेटिक मैथ्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अर्थमेटिक मैथ्स को करने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 7 दिन में अर्थमेटिक मैथ खत्म कर लेना। कैसे करके? डेली 1-3 घंटे की वीडियो देखना एक टॉपिक की, पाइप एंड सर्टेन की, जिस जो भी टॉपिक्स होते हैं आप उनके देख लीजिए, परसेंटेज है ना, नल, पानी, टंकी, चाल, स्पीड, डिस्टेंस, जितनी भी चीज टॉपिक्स हैं सारी एक एक करके 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग एडवांस मैथ्स खत्म कर चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और नहीं खत्म करा है तो फिर आप एडवांस मैथ्स खत्म करिए पहले। मैथ्स में आपके 40 क्वेश्चंस ही सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टॉपिक जो है जानकारी वो आपको कम है, थोड़ा सा आपको टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि आप जो जिसमें भी नंबर्स कम आ रहे हैं, जैसे एलजेब्रा में कम आ रहे हैं, 22 में से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे, तो फिर उस टॉपिक को आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लीजिए, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, अब आपको यहाँ पे डाउट आ सकता है, सर 2 घंटे का है, अब 2 घंटे का मॉक कैसे दें हम, कैसे दें, बहाने आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल आने चाहिए। देखो, दो अब मॉक आ रहा है ऐसे करके आपके पास टाइम कम बच रहा है, एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, एसएससी सीजीएल का जो 25 क्वेश्चंस आते हैं प्रीवी वाले वो कर लीजिए, ठीक है भाई। मजाक वजाक मैं नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस 15 मिनट में करने हैं आपके पास, 20 मिनट जितना भी टाइम मिल रहा है करके देखिए, ठीक है। आपकी मिसलेनियस प्रैक्टिस तो हो रही है कम से कम वहाँ से भाई, और क्या चाहिए हमें, यही आपको करना है, डेली करिए, वेरी गुड, 20 मिनट में डेली आपको 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक वीकली मॉक तो सीरियस का देना ही देना है, ठीक है। अब एक इंग्लिश का, एक जीएस का, एक अगर आपको डेल लग रहा है तो 2 वीक बाद दे लीजिए, 3 वीक बाद दे लीजिए, मंथ में एक दोगे तो 2 ही दे पाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम 4-5 मॉक तो दे के ही जाएं कम से कम, ठीक है। और एसएससी वाले आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं मॉक, तो फिर आप कहीं से भी खरीद लीजिए जहां आपको सस्ता मिले, पूछा मत करिए, नहीं तो प्रमोशन हो जाता है उनका। मॉक बिल्कुल आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड गुड लक गाइस, आप लोग जरूर कर लेंगे, बस एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, आपका खुद से दिख रहा होगा। अगर आपको टेंशन हो रही है एग्जाम की तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी शेयर वगैरह भी कर दीजिए। बाय।